हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है, ये पेपर है आपका JKSSB जम्मू कश्मीर के अंदर 2024 के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। एंड ये पोस्ट है SI सब इंस्पेक्टर इन द फाइनेंस। ओके, पोस्ट की बात करें यहाँ पर हम, तो सब इंस्पेक्टर इन द पोस्ट के प्रॉपरली हम बात कर रहे हैं जब, तो सब इंस्पेक्टर इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ऑन द डेट ऑफ 10th of March, 10 मार्च 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर 120 क्वेश्चन हैं। हम मोस्टली सभी क्वेश्चन के आंसर्स को यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इस पेपर का PDF जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले सॉल्यूशन की तरफ। सो सबसे पहला सॉल्यूशन क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1। इन मैग्नेटिक डिस्क डाटा इज स्टोर्ड ऑन द प्लैटर इन अ कॉन्सेंट्रिक सेट और अ रिंग इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज अ सेक्टर। ऑप्शन बी ट्रैक, दैट इज ट्रैक इज कॉल्ड एज अ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का बी का आंसर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? ठीक है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई है। तो यहाँ पर सेमी कंडक्टर मेमोरीज आर यूज्ड एज अ मास मेमोरी मीडियम, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? गलत है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो एग्जाम्पल है वो क्या है यहाँ पर? वह है लिब्रा ऑफिस। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। What type of extension name do notepad use? Notepad के अंदर text जो है .txt use किया जाता है। Option B correct answer होगा यहाँ पर। FAT का मतलब क्या होता है? FAT is file allocation table। Option C होगा यहाँ पर question का correct answer। Question number 6 की बात करते हैं। Question number 6 में कौन सी statement यहाँ पर गलत है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर answer होगा You can increase free space ऑफ डिस्क बाई सेंडिंग फाइल इन रिसाइकल बिन। तो उस रिसाइकल बिन के अंदर अगर जो आप फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके तहत आपका स्पेस बढ़ता है, तो ऐसा नहीं है, बट वहाँ पर वो स्टोर तो टेम्प्रेरी फाइल के रूप में रहती है। इन डाटाबेस रिलेटेड फील्ड आर ग्रुप्ड टू फॉर्म, तो 7th क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिकॉर्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, ओके, रो लिमिट ऑफ MS Excel 2019। तो 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विच शॉर्टकट की इंसर्टेड अ न्यू स्लाइड इन अ करेंट प्रेजेंटेशन? तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Ctrl+M। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन? तो पेज मार्जिन नहीं है, दैट इज सेंटर, सेंटर इज नॉट अ पेज मार्जिन। 11th क्वेश्चन, तो यहाँ पर हु इज़ द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल टेनिस ऑफ फेम? तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैंडर्स पीस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिसेंटली मैंशनड इन द मीडिया इज जनरेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट, ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। विच इंडियन हैज वॉन 2023 रमन मगासी अवार्ड? सो यहाँ पर नाम आता है 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रवि कनन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ब्लू इकोनॉमी 2.0 रिसेंटली सीन इन द बजट 2024? सो 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द ओशियन सी एंड कोस्ट। इंडिया हैज विटनेसेस एन इंक्रीज इन फैसिलिटीज एज पर ग्लोबल स्ट्रक्चर ऑन सेफ्टी रोड सेफ्टी 2023। दिस रिपोर्ट वॉज रिलीज बाई विच एजेंसी? दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाई द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज
हैज इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन विच पेमेंट बैंक, दैट इज द पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा 16th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 16th का ऑप्शन बी। 17th क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 17वें क्वेश्चन के अंदर, विच रूलर इज क्रेडिटेड फॉर द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्यू आर कोड बेस्ड क्वाइन वेंडिंग मशीन विच वॉज अनाउंस रिसेंटली डिस्पेंस क्वाइन यूजिंग विच टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, वहाँ पर यूज़ की गई है UPI, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19, विद रेफरेंस टू द इंडियन म्यांमार बॉर्डर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो 19 नंबर क्वेश्चन की हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। इट वॉज डेमार्केटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1826, तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पर करेक्ट है। इट एक्सटेंड्स अलॉन्ग विद द मेघालय आसाम त्रिपुरा, ने ये स्टेटमेंट आपकी सेकेंड गलत है। थर्ड में आता है फ्री मूवमेंट रिजीम इनेबल ट्राइब्स अलॉन्ग द बॉर्डर टू ट्रेवल अप टू 16 किलोमीटर इन साइड द नेबरिंग कंट्री विदाउट वीज़ा, ये करेक्ट है। 1 and 3 करेक्ट, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, हाँ 1 and 3 राइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में पूछा गया है द सिख रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1819। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट फाउंड इन फूड एक्सेप्ट, सो यहाँ पर एक्सेप्शन रहती है किसकी, एक्सेप्ट प्लाज्मा, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, सो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है मॉड्यूल इन अ सोलर पैनल रिफर्स टू द, इट रिफर्स टू द सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द सोलर सेल्स। प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम नेसेसरी फॉर वेव प्रोपगेशन इज, सो दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर इनर्शिया भी रहेगा, इलास्टिसिटी भी रहेगा, लो रेजिस्टेंस भी रहेगा, तो दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24, एन ओमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग, इट इज यूज फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। द फेनोमेना व्हेन रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर इज री रेडिएटेड टूवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज, सो दिस इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26, सो क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ सेडिमेंट्री रॉक ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल, तो यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर होगा फॉस्फोरस एंड द सल्फर। विच कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर पावर जनरेशन, सो 27 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बायोमास। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28, सो व्हाट डू द प्लांट कन्वर्ट द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स इंटू आफ्टर द फिक्स ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, सो दिस इज कॉल्ड द अमीनो एसिड रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, ओके 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, सो ओके 29 को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ओके 29 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच्ड, सो मिसमैच की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर विटामिन के बेरीबेरी नहीं है, ये गलत है आपका। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करेंट सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द कॉम्बिनेशन हैज द सेम प्रॉपर्टी एज द करेंट सोर्स अलोन, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा 30th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन, व्हाट लेवल ऑफ फूड चेन आर कार्निवोरस, सो 31 की बात करें तो यहाँ पर होगा सेकेंडरी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, सो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। What are the 3R principles? So यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा reduce, recycle and recycle. That is option number C हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 33 नंबर क्वेश्चन। 34 की बात करते हैं, इन अ फूड चेन द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटीरियल इज डिपिक्टेड बाय द
पिरामिड ऑफ बायोमास, ऑप्शन ए यहां पर होगा 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ओके नाउ हम बढ़ते हैं आगे 34 के बाद 35 की तरफ। ओके सो 35 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी कंजर्व्ड ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो 35 का यहां पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ, दैट इज द मोमेंटम। 36, द न्यूट्रल एटम ऑफ एन ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव। 36 का यहां पर करेक्ट आंसर होगा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 की हम बात करें तो यहां पर आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फेनोमेना सपोर्ट दैट लाइट इज ट्रांसवर्स वेव, दैट इज पोलराइजेशन, ऑप्शन नंबर सी यहां पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 37। ओके नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन, यहां पर आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना हुआ है ये पूछा गया है। तो 38 का मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूं, तो यहां पर आंसर निकलेगा आपका -3 मीटर पर सेकेंड। 39 नंबर क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइंड टू कॉम्बैट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल इश्यूज, सो दिस इज द रिलेटेड विद द ओजोन डिप्लीशन। नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच, सो यहाँ पर हमारा 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा टू मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चंस, और फिर ये देखिए ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर स्किप करते हैं, वो तो जीएस के और कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे, रीजनिंग एंड मैथ के क्वेश्चंस हम लोग स्किप कर रहे हैं, देखते हैं और कौन से क्वेश्चंस बचे हुए हैं यहाँ पर। जस्ट फॉर मिनट के दीज आर ऑल इंग्लिश क्वेश्चंस। ओके ये फिर आपके ओके ओके नाउ फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। ठीक है, सो 81 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़े से आपके फिर स्टेट रिलेटेड जीके वगैरह का पार्ट आ जाता है, बीच में आपके रीजनिंग या एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे जिन्हें मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। लेगिस्टाइन डिपॉजिट ऑफ कश्मीर कॉल्ड खरवास आर नोन एज, सो इसे कहा जाता है सैफ्रन कल्टिवेशन। ओके दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, सैफ्रन कल्टिवेशन। Who among the following presided over the Buddhist council held during the regime of Kanishk at Kashmir? तो यहाँ पर आंसर होगा that is the Vashumitra, option D correct answer होगा। Next है north to south आपको mountain ranges को लगाना है। ठीक है, 83 number question, so यहाँ पर आएगा north to south, सबसे ऊपर आएगा आपका लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के बाद आएगा जंस्कार, जंस्कार के बाद आएगा आपका पीर पंजाल, then last में धौलाधार, that is fourth। तो यहाँ पर आपका 4, 2, 1, 3 दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 84, सो 84 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है जोजिला टनल कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर टू विच ऑफ द यूटी और अ स्टेट, सो इट कनेक्ट्स विद द लद्दाख। व्हाट डज द टर्म मलखा मजलिस इन द जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 रिफर्स, सो इट रिफर्स टू द वोट टू हल्का पंचायत। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चैप्टर 4 ऑफ जम्मू कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989 डील्स विद द, इट डील्स विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ऑप्शन नंबर सी यहां पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 87, सो 87 में आपसे पूछा गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 प्रोवाइड्स फॉर द 3-tier सिस्टम ऑफ द पंचायती राज इन ईच स्टेट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 प्रोवाइड्स फॉर अ 5-year टर्म ऑफ द पंचायत एट एवरी लेवल। हु बिल्ट रणबीश्वर टेम्पल इन द जम्मू रीजन, सो 89 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजा रणबीर सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज वेथ इन कश्मीर, सो 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम। ठीक है, हु इज बिलीव टू हैव फाउंड द सिटी जम्मू, तो इसको फाउंडेशन रखी थी इसकी राजा
जंबू लोचन ने, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं, तो 92 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 92, सो 92 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन इज लोकेटेड इन द झबरवान रेंज और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। सो 92 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चश्माश शाही गार्डन। 93 नंबर क्वेश्चन, गोलचा फोर्ट इज नोन एज द कोए मरान लाइज इन द वेस्ट ऑफ डल लेक इन श्रीनगर। सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन द कैलाश कुंद स्प्रिंग एट सियोच हिल इन भदेवार इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो 94 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा तवाई, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स इज अ, तो जम्मू एंड कश्मीर राइफल इज अ इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 95। 96 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द रेड क्लिफ लाइन, तो रेड क्लिफ लाइन के द्वारा डिवाइड की गई है इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। वैसे इंडिया और बांग्लादेश भी है बट ओरिजिनली इट वॉज इंडिया एंड पाकिस्तान। वट इज़ गुलमर्ग फेमस फॉर, फेमसली नोन एज, गुलमर्ग फेमस है किस चीज़ के लिए, दिस इज फेमस फॉर द मीडोज ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स यहाँ पर हैं बहुत सारे उसके लिए ये फेमस है गुलमर्ग। क्वेश्चन नंबर 98, एज पर द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरेटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर टू बी फिल्ड बाय द पर्सन चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन शैल बी, सो इट शैल बी 107, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द होली प्लेस ऑफ बाबा धनसारी लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सो 99 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रईसी डिस्ट्रिक्ट। अकॉर्डिंग टू द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, द यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर दैट इज लद्दाख। 100 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, ओके, ये आपका कौन सा मैच किसके साथ है, कितने मैचेस हैं आपको ये बताना है। तो 101 में आपके चारों के चारों सुभाष चंद्र बोस, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, चित्रंजन दास फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी, एम जी रनाडे दैट इज फादर ऑफ रेजिडेंस ऑफ वेस्ट इंडिया, एंड गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल वुमेन पायलट, सो यहाँ पर आंसर नाम आएगा आपका, दैट इज कमर्शियल पायलट पूछा गया है ना, ठीक है। तो 102 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दुर्बा बैनर्जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 103 की बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे, चलिए। 103 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज द ब्लैक टाइगर एंड इंटेलिजेंस एजेंट, तो ब्लैक टाइगर कहा जाता है किसको, तो दिस इज कॉल्ड एज अ रविंद्र कौशिक को, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया, भारत के अंदर पहला न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ था वो था बंगाल गजट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 105, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड एट, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दैट इज इन पेरिस के अंदर है। एक्सक्लूसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग द इंजरी इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, विच विटामिन, दैट इज विटामिन के। 106 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द 107 नंबर क्वेश्चन, द वर्ड गंभीर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो दिस वर्ड इज रिलेटेड विद द चेस, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द वृद्धा गंगा, दैट इज ए यहाँ पर रहेगा गोदावरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मीट इन विच करेंसी बाई एंड सेल एंड देयर प्राइसेज सेटल इन इज कॉल्ड एज, सो दिस इज कॉल्ड एज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा 109 का करेक्ट आंसर। नाउ 109 के बाद 110 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट या पावर स्टेशन इन इंडिया, सो 110 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो महाराष्ट्र के अंदर है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 111, सो एनालिटिकल इंजन द फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन वॉज डेवलप्ड बाई, 111 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर चार्ल्स बबेज। ड्यूरिंग द सेकेंड जनरेशन द कंपाउंड ऑफ साइज द साइज ऑफ द कंप्यूटर वॉज डिक्रीज्ड बाई रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब विद,
सो 112 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, 113 की बात करते हैं, यहाँ पर पूछा है विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एन ईमेल फैसिलिटी अमंग द होस्ट। सो 113 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा SMTP, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द 114 नंबर क्वेश्चन, 114 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। 114 की बात करें तो ऑप्शन ए होगा यूजर इंटरफेस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर यूजेस लाइट बीम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंसिटिव ब्लैक पावर पाउडर, दैट इज 115 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लेजर प्रिंटर। ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन है फिर हमारा, यहाँ पर पूछा है के 116 अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फिग्रेशन इन ऑल डाटा इन्फॉर्मेशन पासिस थ्रू द सेंट्रल कंप्यूटर इज कॉल्ड एज द स्टार नेटवर्क। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। वन ऑफ द मेन फीचर दैट डिस्टिंग्विश माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर इज, सो ये होगा आपका माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट हैव इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। 118 नंबर क्वेश्चन, सो यहाँ पर 118 में पूछा गया है विच इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील। सो 118 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हार्डवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज नॉट यूज टू एंटर डाटा इन टू द कंप्यूटर। सो 119 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज मॉनिटर। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज इन डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। सो यहाँ पर होगा दैट इज OCR। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर JKSSB 2024 के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट किया गया है फॉर द सब इंस्पेक्टर पोस्ट, सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, और ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है आपका 10th ऑफ मार्च 2024 को ये एग्जाम कंडक्ट किया गया है, जिसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस किया है। और इस सेशन के अंदर हमने 1 से 40 जो GS करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस थे और प्लस 81 टू 120 क्वेश्चंस जो आपके करंट अफेयर GS के क्वेश्चंस थे उनको हमने किया है। इन टोटल हमने 80 क्वेश्चंस को यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स के और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस थे उन्हें मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है, आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर उस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।